हाँ बेटा, क्या हो गया? ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में को हमने तापमान के आधार पर चार अलग-अलग परतों में बांट दिया था, और उन परतों का हमने नाम दे दिया था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। और उनमें अलग अलग जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। आपको याद हो तो हमने डिस्कस किए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चले क्या आगे। अब जिस वायुमंडल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, वायुमंडल की जिन चार परतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं चार परतों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम उनकी बात कर लेते हैं। चलो एक-एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो आओ इधर ध्यान दो। यानी इसी वायुमंडल के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडल के अवयव होते हैं। जैसे वायुमंडल में बादल कहाँ होता है? अरे मतलब वायुमंडल में ही तो होता है ना। बोले हवा कहाँ चलती है? वायुमंडल। बोले तापमान कहाँ होता है? वायुमंडल। ताप कहाँ होता है? वायुमंडल में। बारिश कहाँ होती है? वायुमंडल में। बादल कहाँ होता है? ओले कहाँ आएंगे? आंधी कहाँ आएगी? रेडिएशन, सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यानी कुल मिला के जैसे मानसून आता है कहीं में आएगा? वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उन चीजों को हम एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे वायुमंडल के अवयव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वायुमंडल के जो अवयव हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं वायुमंडल के अवयव। इन अवयवों को एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर जो अवयव आता है, या किसी को भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया पवन को। किसको ले लिया? पवन को इंग्लिश में बोलते हैं विंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विंड। देखो हवा का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। क्या मतलब होता है? और अगर यही हवा बहने लगे तो उसको बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो गया हवा और पवन का बेसिक डिफरेंस समझ में आया। बहुत सारी गैसों का मिश्रण है तो बोले हवा है। क्या है? और अगर वह हवा बहने लगे तो क्या है? पवन है। यानी पहली बात तो हम इसको कह देंगे कि बहती हुई, किसको? बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? दूसरी बात, जो हवा है उस हवा की एक तो होती है दिशा, एक तो क्या होती है, और एक होती है गति। क्या होती है? दिशा का भी हमको मापन करना है, और हमको क्या करना है, उसकी गति का भी मापन करना है। तो दो यंत्र आते हैं। जब हमें दिशा मापनी होती है तो उसको तो बोलते हैं विंड वैन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जब हमको गति की बात करनी है तो या तो बोल दो कप एनीमोमीटर या एनीमोमीटर। कई बार कप लगा हुआ भी आता है, कई बार सीधा लिखा होता है एनीमोमीटर। क्या लगा होता है? एनीमोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? देखो ऐसा एक जुगाड़ होता है, एक खंबा होता है, और उस खंबे के ऊपर इस तरह से एक तीर जो होता है वो लगा होता है। और उस तीर की अगर हम बात करें तो उस तीर के कुछ इस तरह से पूरा सिस्टम सेट रहता है जो आपको दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है। और ये जो पोल होता है इसकी हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से कसा हुआ होता है कि जैसे मान लो ये पेन दिख रहा है आपको सबको, एक तो इसका तीखा वाला मुंह जिसको एरो बोलते हैं, और एक इसकी टेल पूंछ बोलते हैं। ये क्या करता है? ऊपर ही ऊपर ऐसे गोलमोल घूमता है। जैसे ये पोल है, इसके ऊपर ये कसा हुआ, ये गोलमोल घूम सकता है। तो जिधर से हवा आती है ना, ये तुरंत ही अपना मुंह उधर कर लेता है। जैसे मान लो हवा अभी इधर से आ रही है इधर कर लेगा, इधर से आई तो इधर कर लेगा। यानी जिस दिशा से हवा आ रही उधर, तो इसका क्या होता है? तीखा वाला मुंह। और इसकी पूंछ किधर होती है? जिधर को हवा गई, जिधर को हवा गई। यानी कि इस वाले भाग को अगर हम बात करें तो इस वाले भाग को कहा जाता है एरो। क्या कहा जाता है? तीर का तो एरो ही होता है ना, आपने सुना होगा एरो। ठीक है, और एरो जिस दिशा में होता है, ये जो एरो वाला सिंबल है ये जिस दिशा में होता है
उस दिशा को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, विंडवर्ट साइड। क्या बोलते हैं? विंडवर्ट साइड, याद रखना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा को क्या नाम दिया हुआ है? बोले विंडवर्ट साइड। क्या बोलते हैं? ये देखो किस तरफ रहेगा, ये रहता है जिस दिशा से हवा आती है, जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा में ये रहेगा, और जिस दिशा से हवा आती है उसको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। यह है इसकी पूंछ, ये वाला भाग क्या है इसका? यह है पूंछ, जिसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं जिसको? टेल बोलते हैं। और इस टेल या पूंछ जिस दिशा में रहता है उस दिशा को भी बेटा नाम दिया हुआ है, उसको नाम दिया हुआ है लीवर्ट साइड। क्या नाम दिया हुआ है? क्या नाम दिया हुआ है? बोले जिस दिशा में हवा जाती है उसको क्या बोलते हैं? यानी ध्यान रखना लीवर्ट साइड क्या होता है, अगर आपको पूछे तो जिस दिशा में हवा जाती है उस दिशा को तो क्या बोलते हैं? लीवर्ट साइड। और जिस दिशा से हवा आती है उसको क्या बोलते हैं? यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा को क्या कहते हैं? और जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा को क्या कहते हैं? विंड वेन का एरो का निशान किस दिशा में होता है? और विंड वेन की पूंछ किस दिशा में होती है? किस में? लीवर्ड साइड में। किस साइड में? कप एनीमोमीटर भी एक ऐसा ही जुगाड़ होता है, ऐसा एक खंबा होता है और उस खंबे के ऊपर चार डंडे इस तरह से लगे हुए रहते हैं, दिख रहे हैं आपको, और इनके यहाँ पर गोल गोल सा कप लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? मतलब ये एक पोल है, इस पे चार डंडे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और उनके यहाँ गोल कप है। हवा आएगी तो कप के अंदर भरेगी हवा, और कप के धक्का मारेगी तो एक घूमेगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरे पे जोर लगेगा, यानी जैसे जैसे हवा तेज होगी तो ये गोल मोल घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, और जितनी तेज ये घूमेगा हवा उतनी तेज बह रही है, सिंपल सी बात है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, इस जुगाड़ को बोलते हैं एनीमोमीटर, या फिर इसमें कप लगे होते हैं तो कप भी लगा देते हैं, कप एनीमोमीटर इसको कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोले बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, और हवा की दिशा और गति का मापन दो यंत्रों से करते हैं, विंड वेन और एनीमोमीटर। जिस दिशा से हवा आई उसको विंड वर्ड साइड बोलते हैं, और जिस दिशा में हवा गई उसको लीवर्ड साइड कहा जाता है। क्या यहां तक का मामला क्लियर है? राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो क्या हो गया? सब ठीक है? हुआ क्या? रो क्यों रही है? जब बावली ससुराल भेज देंगे, रो मत है, बोलो, ससुराल जाने के लिए रोने लग गई है बावली, रो मत, भेज देंगे ससुराल है, बस क्या बात हुई, सब ठीक है, ओके ऑल गुड। तो ये रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? खांसी चलते तो रोते? अरे तू तो गला खोल के खास, कोई टेंशन मत ले, बस मस्त रहे। खास भी रही है और पगली दबा के खास रही है, खांसी को खुल के आने दे ताकि गला एकदम ऐसे साफ हो जाए, एकदम मस्त है ना। देखो मुझे तो खांसी आती है तो मैं मुंह को से फाड़ के और फिर जो देखो एक चीज बताऊ, प्रकृति ने कुछ चीजें नेचुरल बनाई है यार, खास ना एक प्राकृतिक काम है, देखो सब खांसते हैं, इवन गाय भैंस तक खांसती, देखा कभी गाय भैंस? तो हम तो इंसान है, खुल के खांसो है, रो मत बेटा, इसको पानी पिलाओ, है ना, कोई बात नहीं, पानी नहीं है, जा तू आराम से पानी पी के आ, जा बेटा, परेशान मत हो, है ना, गरम पी के आना, ना नीचे जाके बाई जी के पास से गरम करवा के थोड़ा, फिर पी के आना बेटा। चलो यहां तक की बात समझ में आई। अब राजस्थान में दो प्रकार की पवने बहुत फेमस है, दो प्रकार की पवने क्या है, बहुत फेमस है। बोले सर कौन सी? बोले एक तो नाम सुनाई होगा लू, लू गर्म चलती है, ठंडी गर्म को क्या कहते हैं? हॉट। क्या बोलते हैं? और पवन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं हॉट वेव। क्या बोल देते हैं?
यानी कि लू का ही दूसरा नाम होता है हॉट वेव। क्या नाम होता है? क्योंकि गर्म होती है इसलिए इसको कहा जाता है हॉट वेव। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं। आप एक स्व विवेक से आइडिया लगाओ गर्मियों में जो लू चलती है वो किस दिशा से आती है। देखो ऐसे रटा रटाए आंसर मत फेंको, ऐसे आंख मूंद कर और फिर आंसर मत टिकाओ कि हाँ हाँ उत्तर 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 उत्तर। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे अंगुली से बताओ कि इधर से आती है, इधर से आती है, इधर से आती है, मेरे पीछे इधर साइड से आती है इधर। अच्छा ठीक भाई जी, लाइव लाइव देखो। अरे पागलो, सूर्यास्त किधर होता है? अभी मैं भाई जी को, भाई जी गए क्या? भाई जी को बुला के पूछूंगा, वो अनपढ़ होते हुए बता के जाएंगे किस दिशा से आती है, और तुम पढ़े लिखे हो के पागल कर रहे हो। याद करो, देखिए जब लू चलती है तो किधर से चलती है? जिधर सूर्यास्त होता है, कहां से आती है? और सूर्यास्त किस दिशा में होता है? और बता रहे उत्तर दिशा से। बावड़े बावड़े हो गए हो क्या? तो इसका मतलब पहली चीज ध्यान देना, पहली चीज ध्यान देना कि जो लू होती है वो गर्म होती है ठंडी? ठीक है भैया आपने कहा गर्म, तो इसका मतलब पहला तो मैं बात कर लेता हूँ दिशा का। किसका बात कर लेता हूँ? कौन सी दिशा से आती है, किससे आती है? और ठंडी होती है गर्म है, पक्का? इसका मतलब पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? बोले कौन से माह में आती है ये गर्म हवाएं? अरे वाह मेरे रसगुल्लो, कौन से माह में आती है ये? लो भैया मई जून। परिभाषा देखो आप चाहो तो मैं लिखवा दूंगा, और आप चाहो कि नहीं सर हम समझ गए तो परिभाषा बन जाती है कि मई जून के माह में पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप समझदार हो कि दिशा कौन सी है पश्चिम, महीना कौन सा है मई जून, और कैसी है ठंडी है गर्म? बोले गर्म। तीन शब्द याद करने, लू खत्म। बोले सर इस लू से क्या किसी को हानि होती है क्या? क्या किसी को ये नुकसान पहुंचाती है क्या? बोले पहुंचाती है। तो किसको पहुंचाती है नुकसान? देखो मई जून के माह में कोई फसल होती ही नहीं है ना, गेहूं काट लेते हैं, बाजरा बोते नहीं है, मतीरा तरबूज जिसको बोलते हैं, मतीरे में जितनी लू चलेगी उतना मीठा होता है। गड़बड़ ये है कि सर कोई फसल है ही नहीं, नुकसान किसको पहुंचाए? अरे फसलों को छोड़ दो, इसके अलावा क्या बचते हैं? पादप। क्या बचते हैं? आम के पुष्प कब आते हैं? मई के माह में। बताओ नींबू के पुष्प कब आते हैं? बोले मई के माह। इसका मतलब बेचारे नींबू आम इनके पुष्प ही गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं? इसका मतलब नुकसान किसको होगा? अरे फल वृक्षों को। किसको होगा? फल वृक्षों के क्या गिर जाते हैं? पुष्प तथा फल जो है वो क्या हो जाते हैं? वो गिरे। बोलो भाई साहब लू जो है वो हो गई समाप्त। क्या हो गई है? लू में चार ही तो बातें थी, चारों मैंने समझा दी, मामला आपका कर दिया मैंने सेट। क्या कर दिया आपका मामला मैंने? अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। कौन से पॉइंट पर चलते हैं? दूसरे पे। दूसरा आ जाता है, एक और हवा चलती है जिसका नाम होता है शीत लहर। कौन सी लहर है? शीत लहर। ठंडी चलती है गर्म में, और ठंडे को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, यानी नाम क्या हो गया? कोल्ड वेव। क्या नाम हो गया? पहली चीज कैसी हवा होती है ये? कैसी हवा होती है? ठंडी हवा होती है। कैसी हवा होती है? बोले सर इसकी दिशा कौन सी होती है? दिशा की बात करें, कौन सी? अरे बहुत बढ़िया, कौन सी दिशा होती है? देखो पहला तो याद रख सकते हो आप लोग कि जो कोल्ड वेव ठंडी हवा चलती है कौन से माह में चलती है। हाँ जी पक्का, दिसंबर जनवरी? ये लो तुमने कहा तो मैंने लिख दिया दिसंबर, और ये लो जनवरी। कोई दिक्कत नहीं है क्या? लिख दिया ठीक है। अब आपको पता हो तो मकर संक्रांति पतंग उड़ाते हो तब आपकी आंखों में सूरज आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अगर पतंग इधर उड़ रहा होता तो सूरज आता ही नहीं है, और अगर इधर उड़ रहा होता तो भी नहीं आता है क्योंकि इधर तो शाम के टाइम पे जाता है, लेकिन दिन के समय सूरज रहता है कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा की तरफ।
और प्योर उत्तर में भी नहीं जाता है, पतन जाता है उत्तर दिशा से थोड़ा सा दूसरी तरफ, यानी कि जस्ट रिवर्स जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है, पतन तो दक्षिण की तरफ रहेगा, हवा कहां से आ रही होती है, उत्तर दिशा से, लेकिन प्योर उत्तर से नहीं आती है, उत्तर और पश्चिम के बीच से आती है। कहां से आती है? क्योंकि पतंग आप उड़ाते हो तो इस दिशा में उड़ता है कि नहीं उड़ता है, इसका मतलब हवा बीच से आई होगी, ये दिशा है पश्चिम और ये वाली कौन सी है उत्तर, तो कौन सी दिशा से हवा आ रही है, इसका मतलब हम लिख देंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा से, किस हवा से आती है, यानी कि उत्तर जन दिसंबर जनवरी माह में उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं। क्या परिभाषा लिखवाऊं पूरी, आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, कि दिसंबर जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। बोले सर ये किसको हानि पहुंचाएगी, अब तो फसलें होती है क्या, तो कौन सी फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है, हाँ जी रबी की, यानी ये करती है हानि किसको, रबी की फसलों को, किसको हानि पहुंचाती है, रबी की फसलों को हानि पहुंचाती है, मामला सेट है। बोले सर रबी की फसलों को क्या पहुंचाती है हानि, रबी की फसलों में पड़ जाता है पाला, यानी इस शीत लहर की वजह से क्या होता है, पाला पड़ता है, क्या पड़ता है, और ये पाला किसको हानि पहुंचाता है, किसको हानि पहुंचाता है, यानी अगला ऑप्शन ही अपने पास आ गया पाला, क्या आ गया, पाला को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रोस्ट, क्या बोलते हैं, यानी पाला जो पढ़ना होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट, क्या बोलते हैं, आपको पता है पाला पढ़ना किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ जी ओके, तापमान गिर गया फिर, पादपों की पत्तियों की सतह पर अगर बर्फ की परत जम जाए तो उसको बोलते हैं पाला पड़ना। उससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ये पादप की कोशिका है और कोशिका के अंदर भरा होता है जीव द्रव्य, क्या भरा होता है, अब होता क्या है कि पानी का एक गुण होता है कि जब पानी जमता है क्या करता है, तो पानी जो होता है उसका जो भी आयतन होगा उसमें 9% की वृद्धि हो जाती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी मान लो ये कोशिका है, कोशिका में पानी भरा और पानी अपने आप फैलता फैलता 9% 10% तक तो बढ़ गया, चौड़ा हो गया, तो सीधी सी बात है वो प्रेशर किस पे डालेगा, कोशिका भित्ति पर, किस पे डालेगा, और ये कोशिका भित्ति फट जाती है और फटने से जीव द्रव्य कहाँ जाता है, अगर जीव द्रव्य बाहर आ गया तो क्या कोशिका जिंदा रहेगी क्या, इसका मतलब पादप की क्या हो जाती है, मृत्यु, क्या हो जाती है, इसका मतलब पाला पड़ने का मतलब होता है कि पादपों की पत्तियों की सतह पर क्या होना, पादपों की पत्तियों की सतह पर, हाँ किसकी परत, बर्फ की परत का जमा होना क्या कहलाता है, पाला पड़ना कहलाता है, याद रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। पाला जो होता है उससे हानि किन फसलों को होती है, अरे किन फसलों को होती है, रबी फसलों को होती है, किसको होती है, और रबी फसलों में भी ध्यान रखना सरसों को होती है, किसको होती है, चने को होती है, किसको होती है, सरसों और चना दोनों को क्या होती है, हाना। अगर फसल फलों की बात करें तो फलों में होती है पपीता को, किसको होता है, पपी, हाँ पपीता को दिक्कत करती है, किस, हाँ जी अच्छा पता हो गया क्या, पपीता क्या हो गया, अरे मॉडर्न, मैं तेरा छोटा और बड़ा दोनों कर दूंगा, दोनों मात्रा लगा दूंगा, फिर तू याद रखेगा, चलो इधर सामने ध्यान दो, पपीता, अरे ये पपीता बहुत खराब चीज है, ऐसे शहरों में देखा होगा आपने, ऐसे सब्जी बेचने वाले जैसे गुजरते हैं ना, बोले आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे कहते कहते से है ना, राग से, देखा आपने कभी, तो
तो मैंने एक बार ये भी सुना कि सब्जी के साथ पपीते बेचने वाला जाता है, और राजस्थान में देसी भाषा में पपीता जो होता है उसको बोलते हैं पपीतो। क्या बोलते हैं? अब जो पपीतो है, यानी देश से तो पपीता होता है, घर पे पूछना कि जैसे मान लीजिए पापा जी से पूछना पापा क्या लाए हो, तो बोलो पपीतो ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, तो जनरली वो सब्जी वाला ऐसे कहता कहता जा रहा था पपीतो ले लियो पपीतो ले लियो, और वो इस राग में बोल रहा था, बोले पपीतो। तो ये पपीता का ध्यान रखना, इसमें पाला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है इसमें? यानी कि ये तो है फसलें, ये तो क्या है, ये तो क्या है फसलें, और ये पपीता है फल, क्या है? और याद रखना सब्जियों में भी, क्या याद रख लेना, सब्जियों में एक तो जैसे मटर को दिक्कत करता है, किसको दिक्कत करता है? हाँ बेटा, हाँ मटर और टमाटर दोनों ही टर है, एक तो मटर है तो दूसरा टमाटर है, दोनों ही क्या है टर, इनको हाँ नहीं करता है ये पाला, सेट है मामला, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? बोले सर पाले से करना है बचाव, क्या करना है? पाले से बचाव के उपाय बता दो। पहला उपाय है सिंचाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए? सिंचाई करके बचा सकते हैं। दूसरा उपाय देखो, धुआं करके, खेत में क्या करना है? बहुत बढ़िया मेरे स्कूल, खेत में धुआं करके। और तीसरा और अंतिम की बात करें तो 0.1% का H2SO4 का छिड़काव कर दो। ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी विंड पवन है समाप्त, तो फटाफट फोटोकॉपी कर दीजिए, छाप दीजिए भैया। तो आप लोगों
फटाफट से कीजिए नोट प्यारे बच्चों। हो गया नोट डाउन कंप्लीट, आगे कर दूं? देखो भले ही अपन ने लाइनें चार पांच लिखी होगी, लेकिन ये चार पांच लाइनें बहुत सारे क्वेश्चन समेटे हुए हैं, है ना। किस दिशा से आती है, किस दिशा को जाती है, विंडमैन क्या होता है, एनीमोमीटर क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। विंडवर्ट क्या है, लीवर्ट क्या है, 8-10 क्वेश्चन हो गए, लाइनें चार पांच ही है। कर दो आगे।
अभी अभिजीत सैनी ऑनलाइन में कह रहे हैं कि सर जी आकार और लंबाई में क्या अंतर है। देखो आकार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यौगिक है, या जैसे मान लीजिए ये कोई खंभा है, क्या है कोई? आकार का मतलब होता है डायामीटर। आकार का मतलब क्या होता है? कि वो कितना मोटा है, एक तरीके से यूं समझिए। और लंबाई का मतलब उसकी लेंथ क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों के अंदर। एक में हम उसके डायमीटर की बात करते हैं, साइज जिसको बोलते हैं, कि वो उसकी मोटाई कितनी है उसकी बात करते हैं। कर दूं आगे? शाम के समय। हाँ जी बेटा, देखो बेटा ध्यान देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पालक का पड़ रहा है। होता क्या है एक्चुअल में, कि जो धुआं आप करते हो ना, ये धुआं करने से क्या होता है, धुआं आपके खेत के ऊपर रहता है, और धुआं जो होता है वो क्या करता है, आपकी अर्थ के अंदर से आपके खेत में से जो रेडिएशन निकलती है, एनर्जी निकलती है ना, उसको अवशोषित करके आपके खेत के तापमान को ज्यादा रखता है, यानी खेत को ठंडा ही नहीं होने देता, तो पाला पड़ेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात समझना, आप सिंचाई करते हो तो पानी का विशिष्ट घनत्व ज्यादा होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, तो सिंचाई करने के बाद वो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा ही नहीं, इतने में सुबह हो जाएगी तो फसल बच गई है। तीसरा H2SO4 डाला, H2SO4 पानी से क्रिया करने के बाद ऊर्जा देता है, यानी पानी में आप थोड़ा सा H2SO4 डालो, पानी गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब आपने पत्तियों पर H2SO4 छिड़क दिया, ओस आएगी, ओस के साथ H2SO4 क्रिया करेगा और ऊर्जा देगा, जिससे वहां जो सतह है वो गर्म रहेगी और ठंडी नहीं होगी, तो जमेगी नहीं। समझ गए? ऐसे बचाव होता है। क्लियर है? डन है मामला। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले भयंकर सर्दी पड़ रही थी, 5-7 दिन में अचानक बादल आ गए, क्या आ गए? और गर्मी अच्छी खासी हो गई कि नहीं हो गई? अब जैसे ये बादल पूर्णतया हटेंगे, सर्दी वापस से आएगी, देखना। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा क्यों? क्योंकि बादल भी एक प्रकार का धुआं जैसा ही तो है ना, ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी को आने देता है, पृथ्वी से जो जाती है उसको अवशोषित करके नीचे जो भी चीजें उनको गर्म रखता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी को तो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना हरित ग्रह प्रभाव, सुना है ना? हरित ग्रह प्रभाव यही तो है। पृथ्वी गर्म क्यों रहती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, और जो गैसें होती है ये क्या करती है, पृथ्वी से जो एनर्जी वापस जाती है उसको अवशोषित करके पृथ्वी को ही गर्म रखती है, इसी को तो हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। जब ये पढ़ाऊंगा तो आगे चल के इसी में हरित ग्रह प्रभाव भी पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी गैसें कितना कितना अवशोषण करती है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या समझ आ गया? वापस समझाऊं? ओके डन। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आगे हम बात कर लेते हैं दाब की, या वायुमंडलीय दाब की। किसकी बात कर लेते हैं? वायुमंडलीय दाब, इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो समझना, जैसे मान लीजिए ये तो अपनी पृथ्वी है, ये तो क्या है अपनी, और पृथ्वी के चारों तरफ ये है वायुमंडल, क्या है ये? वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें हैं, ये गैसें क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर दबाव डालकर रखती है। पृथ्वी पे क्या डाल के रखती है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एक ऊंचाई पर जाने के बाद लोगों के नाक और कान से खून आने लगता है, सुना है आपने? एक सांस लेने में तकलीफ भी होती है ऊंचाई पर जाने पर, तो ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर जाओगे तो खत्म हो जाती है, इसलिए सांस नहीं आता है। लेकिन ऊंचाई के साथ जाने पर नाक कान से खून आने का कारण ये होता है कि जैसे जैसे हाइट पर जाओगे वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, नीचे दाब ज्यादा होता है, जैसे जैसे हाइट पर जाओगे वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, खत्म। लेकिन पृथ्वी की सतह पर क्या है, कहीं पर तो पहाड़ है और कहीं पर गड्ढा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर वायुमंडल का दाब मापना कहाँ पर है। इस पृथ्वी पर जो भी पानी भरा हुआ है उसकी जो हाइट होती है वो समान रहती है, ये आपको पता ही होगा। क्यों समान रहती है सर? उसका कारण आप लोगों ने घर पे देखा भी होगा, जैसे जब आपके घर बनवाया होगा तो ऐसे एक पाइप ली होगी, पानी भरा होगा, और जिसमें पानी भर के आपने यहाँ टिक लगा दिया वो, तो इसमें इसकी बिल्कुल बराबर तक पानी भरा रहता है, देखा आपने ऐसा? यानी पानी का जो स्तर होता है वो लगभग लगभग क्या है, चारों तरफ समान है। इसका मतलब सर इससे क्या हुआ, इससे हमने क्या किया, ना तो पहाड़ की चोटी पर दाब नापा, ना गड्ढे में नापा, समुद्र की सतह पर नाप लिया। कहाँ माप लिया?
और समुद्र की सतह पर जो हवा या वायुमंडल जितना प्रेशर डालता है उस प्रेशर को हमने नाम दे दिया एक वायुमंडलीय दाब या एक एटीएम प्रेशर। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब, ये इकाई है। ये कहाँ होता है? ये होता है समुद्र की सतह पर। कहाँ की बात कर रहे हैं? तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एक एटीएम। कितना होता है? और ये दाब कौन डालता है? वायुमंडल डालता है, सारी की सारी गैसें डालती है। कौन डालती है? गैसें। वैसे इस दाब को मापने की अगर हम बात करें तो दाब की अलग अलग इकाइयां हैं। जैसे एक इकाई होती है बार। क्या होती है? और याद रखना एक बार बराबर होता है 0.98 एटीएम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि एक बार जो होता है इसका मतलब होता है 1 लाख। कितने लाख है? कितने लाख है? आपने सुना होगा कि 1 लाख पास्कल होता है। कितने लाख पास्कल होते हैं? मृदा जल पढ़ा दिया ना आपको, उसमें नहीं पढ़ाया था क्या? ये एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 1 लाख। और एक बार के अंदर कितने किलो पास्कल होते हैं? बोले सर किलो में 1000 ग्राम होते हैं। किलो का मतलब 1000 होता था, यानी 100 किलो पास्कल। कितना किलो पास्कल? ठीक वैसे ही एक बार का मतलब होता है 0.1 मेगा पास्कल। याद रख लोगे? अगर रख लोगे तो इसको भी छाप दो, कर दो फोटोकॉपी। ओके थैंक यू सो मच बेटा। दो अवयव पढ़ लिए हैं, दो 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 करके हम इसको खत्म कर देंगे।